दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा मांगे हिसाब पर बोले हुड्डा, अभियान की शुरुआत हो चुकी है, हरियाणा की दशा जनता जानती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तस्वीर दिखा दी है, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी, छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ है, ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, जनता का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। हरियाणा में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, वोट काटो को कोई वोट नहीं मिलेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। हमने तो दे रखा है जवाब, हम तो दे रखा है, मेट्रो लेके आए हम, रेलवे लाइन लेके आए हम, चार पावर प्लांट बनाए हमने, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया और वहाँ पंचकुला से शुरू हो जाओ, सारे इंस्टीट्यूट लेके आए, वो एक भी बताएं, एक भी यूनिवर्सिटी बताएं, एक भी मेडिकल कॉलेज बताएं, कुछ तो बताएं। कि सर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अब तो इनका तो जवाब एक ही है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 2 लाख पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं, रोज रोज एक मर्डर होता है, लोगों ने असुरक्षित प्रदेश हो गया, कोई भी प्रदेश में असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ये विफल सरकार है। एनकाउंटर हुआ है वो दिल्ली पुलिस ने पीछा करके किया है, लेकिन वो चलो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, रोज रोज एक मर्डर होता है।